नमस्कार किसान साथियों, दिल से स्वागत है चैनल अहमदाबाद वेजिटेबल मार्केट यूट्यूब चैनल पर। तारीख हुई है आज 23 सितंबर 2024। देखते पता लगाते क्या कुछ बाजार चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है, सब्जियों के भाव में कैसा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मिर्ची है, थोड़ी मिर्ची में मंदी देखने को मिल रही है। ये जो सानिया मिर्ची है 15 रुपये किलो तक बाजार देखने को मिल रहा है अभी दिन में। और सितारा मिर्ची में 25 रुपये 30 रुपये किलो तक बाजार देखने को मिला। अच्छा माल 30 रुपये किलो तक बाजार देखने को मिल रहा है अच्छी सितारा मिर्ची हो तो। मिर्ची में मंदी है, भिंडी में भी मंदी है, चलिए देखते हैं क्या है आगे पता लगाते। और वटवाणी मिर्ची देखिए 25-30 रुपये किलो तक बाजार देखने को मिल रहा है, 25-30-20 जैसी क्वालिटी वटवाणी मिर्ची। गवार फली है देखिए, गवार फली में अच्छे माल में 75-80 रुपये किलो तक बाजार देखने को मिला। सुपर माल हो तो 75-80, ये सब तो दो नंबर माल है, बाकी VVIP क्वालिटी 75-80 रुपये प्रति किलो। फिर नीचे जैसी क्वालिटी उस हिसाब से भाव देखने को मिल रहे हैं। और चौली है, चौली में 40-45 रुपये से लेकर नीचे 25 रुपये किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है चौली। सुपर चौली हो, देसी माल तो 50-55 रुपये किलो तक बिकता है। हरा प्याज है देखें, राजकोट वाला नीचे 15 रुपये हल्के में और अच्छे में 25 तक का बाजार देखने को मिला है। और ये नासिक का प्याज है, दिख रहा है इसमें 30-35 रुपये, रात को बाजार था 40 रुपये तक अगर VVIP माल हो तो, बाकी 30-35 रुपये तक बिक रहा है नासिक। शिमला मिर्ची है, अच्छा माल 70 रुपये किलो तक बाजार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के शिमला मिर्ची अच्छे माल 70 रुपये किलो तक बाजार हुआ है आज। काठियावाड़ साइड की तुअर है, तुअर भी आ रही है 100-120 रुपये किलो तक बिकती है। काठियावाड़ साइड की 100-120 रुपये किलो। और मूली है देखिए, देसी मूली में ऊपर 25 रुपये किलो भी बिकती है, 22-25 रुपये VIP सुपर माल, और नीचे 12-15 रुपये किलो भी बिक रहा है जैसी क्वालिटी। 12-15 से लेकर 20-25 रुपये किलो तक का बाजार है मूली में। देखिए धनिया है, नासिक का धनिया आ रहा है अभी बाज़ार, इसमें गया है 70-80 रुपये किलो तक का बाज़ार गया था आज रात को, लेकिन दिन में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 100-110 रुपये किलो तक का बाज़ार देखने को मिल रहा है। देखिए खीरा है, ये खैरगाम साइड वाला वाइट वाला 15-18 रुपये किलो तक बिक रहा है ये। और हल्दी है 60-70 रुपये किलो तक बाजार चला गया नीचे, पीली हल्दी 60-70 रुपये किलो। और तुरई है 15-18 रुपये किलो तक बिक रही है ये बॉक्स वाली, ये कलर में फीका होता है इसलिए, बाकी देखिए यही खैरगाम वाली वो पन्नी वाली है, ये कलर में है तो 30-35 रुपये किलो तक बिकती है। परवल है, ये कलकत्ती परवल 35 रुपये किलो, नीचे में 30 रुपये, ऊपर में 35 तक VIP माल हो तो। और गिलोड़ा है देखिए, कली गिलोड़ा 50-52 रुपये किलो तक बाजार देखने को मिला। लहसुन है देखिए 280-290 प्रति किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है लहसुन, ये राजस्थान का लहसुन आ रहा है। देखिए खैरगाम साइड का पंडोरा है, 15-18 रुपये किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है, 15-18 रुपये प्रति किलो। देखिए गाजर है, MP के गाजर अच्छा माल 28-30 रुपये किलो तक बाजार देखने को मिल रहा है,
सुपर माल 28-30 रुपए किलो तक सुपर क्वालिटी। सूरण है देखिए, सूरण में 48 रुपए, 50 रुपए ऊपर में और नीचे 45 रुपए जैसी क्वालिटी। और अड़बी है, अड़बी में 35 रुपए से लेकर 38 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला है। साथ ही में कोड़ा है देखिए, हरा वाला कोड़ा जिसका पेठा बनता है, बिक रहा है 15 से 20 रुपए किलो। और शकरकंद है देखिए, 40 रुपए 45 रुपए तक का बाजार देखने को मिल रहा है शकरकंद। नींबू है देखिए, नींबू में सुपर माल में ऊपर में 100-110 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है। वीआईपी क्वालिटी ए मोतीलाल। और नीचे 40 रुपए 50 रुपए जैसी क्वालिटी नीचे में, बाकी सुपर माल में 100-110 तक का बाजार देखने को मिल रहा है। फंसी है देखिए महाराष्ट्र वाली, 50 रुपए 55 रुपए 60 रुपए किलो तक बाजार देखने को मिल रहा है। अदरक है देखिए, बेंगलोर का, बेंगलोर अदरक में बाजार गया है 30-35 रुपए किलो, जो नया अदरक है बेंगलोर का 30 से 35 रुपए प्रति किलो। और जो महाराष्ट्र का सतारा अदरक है 80 रुपए 90 रुपए प्रति किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है। अच्छे माल में 80 रुपए 90 रुपए, फिर नीचे जैसी क्वालिटी उस हिसाब से बाजार देखने को मिला है। ये G4 मिर्ची है, अच्छे माल में 40-45 रुपए प्रति किलो तक बाजार देखने को मिला है। बड़ौदा वाली G4 मिर्ची भी 40-45 रुपए, और जो महाराष्ट्र वाली आती है नंदुरबार वाली, उसमें भी अच्छे माल में 40-45, फिर नीचे हल्का माल हो तो उस हिसाब से बाजार देखने को मिला है। स्वीट कॉर्न है देखिए, भुट्टा 22-23 रुपए किलो तक बाजार देखने को मिल रहा है। अच्छा माल 22-23 रुपए, 24 रुपए तक भी बाजार है सुपर माल हो तो। वालोर वाल पापड़ी देसी माल बिक रहा है 55 रुपए किलो तक। देसी ककड़ी है 25 रुपए से लेकर नीचे 5-10 रुपए किलो तक बाजार है सुपर माल, 20-25 रुपए किलो देसी ककड़ी। भिंडी है, भिंडी बिक्री है देखिए, मंदी गिरी है 15 रुपए 12 रुपए 10 रुपए तक नीचे जाएगा ये बाजार। कोड़ा है देखिए, 7 रुपए 8 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है। अच्छा माल हरा माल 8 रुपए किलो तक, बाकी 6 रुपए 7 रुपए किलो तक। देखिए हरा बैंगन है, अच्छे माल में 40 तक का बाजार देखने को मिला, नीचे फिर जैसा माल उसी हिसाब से बाजार हुआ है 15-20 जैसी क्वालिटी। और भट्टा है, भट्टे में जो नया माल आता है वो 50 रुपए, बाकी 40 रुपए से 20-25 रुपए किलो। लौकी है देखिए, लौकी में 15 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है, फिर वीआईपी लौकी है तो उसी हिसाब से बाजार गया है, बाकी रेगुलर बाजार 15 रुपए किलो तक देखने को मिल रहा है। काडोर मिर्ची देखिए, 30 रुपए भी बिक रहा है हल्का माल, और अच्छे माल में 45-50 तक बाजार देखने को मिला है सुपर माल, 45-50 रुपए किलो, फिर नीचे जैसी क्वालिटी थी उस बाजार से बाजार देखने को मिला। टमाटर है, टमाटर में 45 रुपए ऊपर में अच्छे माल से लेकर नीचे 40 तक का बाजार देखने को मिल रहा है, फिर उससे नीचे जैसा हल्का माल और उससे ऊपर जैसा वीआईपी वक्कल। इसमें क्या है कि कुछ कुछ वक्कल निकलते हैं वीआईपी वाले, बाकी एकदम रेगुलर बाजार होता है। देखिए मूंगफली है, अच्छे माल में 40-42 से लेकर नीचे 35 तक का बाजार देखने को मिल रहा है जैसी क्वालिटी। देखिए फूल गोभी है, ये राजस्थान वाला वाइट पैकिंग बिक रहा है नीचे हल्का माल 30 से लेकर ऊपर अच्छा माल 35-38 रुपए प्रति किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र वाला फ्लावर है 40 रुपए किलो तक बिक रहा है, ये लाल कट्टा 40-42 रुपए अच्छा माल होता। और ये फूल गोभी है, राजकोट वाला माल है, ये बिक रहा है 45-50 रुपए किलो तक, नीचे 40 से लेकर ऊपर 50 तक का बाजार देखने को मिल रहा है इसमें।
और पत्ता गोभी है, देखिए ज़्यादा माल है पत्ता गोभी में, आज 16 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो तक बाजार है पत्ता गोभी। और सटाना माल जो आ रहा है उसमें बाजार गया है 21 रुपए 22 रुपए किलो तक, सुपर माल होता है।